आज हम बस मोटोरोला का न्यूली लॉन्च फ्लैगशिप स्मार्टफोन यानी कि मोटोरोला मोटो एच 30 अल्ट्रा, जिसे मैं पिछले 7-8 दिनों से यूज़ कर रही हूँ, आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग दिस स्मार्टफोन। इस फ़ोन में क्या अच्छी चीज़ें हैं, कहाँ कमियाँ हैं, वो सभी कुछ मैंने देखी, जाना और उन्हें लिखा एक जगह पे, एंड नाउ आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग दिस स्मार्टफोन विद यू। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ रियल रिव्यू ऑफ मोटोरोला मोटो एच 30 अल्ट्रा, एंड इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग कि क्या कमियाँ एंड क्या खूबियाँ आपको इस फोन में देखने को मिलती हैं, देन डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। हाई गाइज, दिस इज रचना, वेलकम टू माई चैनल टेक्शार। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी में मुझे कोई भी कमी नहीं देखने को मिली, क्योंकि इस फोन को लिटरली मैं बिना कवर के यूज़ कर रही हूँ, करीब 8 दिन हो चुके हैं और एक भी सिंगल फिंगरप्रिंट का भी निशान मुझे यहाँ देखने को नहीं मिला, कोई स्क्रैच देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल जो बैक पैनल है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और फ्रंट पे भी मुझे यहाँ पर कोई स्क्रैच वगैरह देखने को नहीं मिला, क्योंकि आगे और पीछे दोनों तरफ यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज़ किया गया है। तो डिस्प्ले की अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है आपको कर्व देखने को मिलता है, 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस पी ओलेड स्क्रीन है, एंड जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, एंड दूसरी बात जो कलर रिप्रोडक्शन है फ़ोन का वो बहुत ही अच्छा है, फ़ोन के जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, एंड आप अगर सनलाइट की विजिबिलिटी देखते हैं तो वहाँ पर भी फ़ोन फुली विजिबल है, कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलती है। तो ओवरऑल मेरे को डिज़ाइन में, बिल्ड क्वालिटी में और डिस्प्ले में कोई भी कमी देखने को नहीं मिली है, एंड नाउ मूविंग ऑन टू द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर दिया गया है क्वालकम स्नैपड्रैगन 8+Gen 1। डे टू डे लाइफ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ आपको देखने को मिलता है, तो फ़ोन काफ़ी स्मूथ है, हैप्टिक्स बहुत अच्छे हैं फ़ोन के। परफॉर्मेंस में जैसे मैंने इसका CPU थ्रॉटल टेस्ट किया, तो वहाँ पर जो है इसका CPU थ्रॉटल होता है 76% तक, 1 घंटा इसके अंदर गेमिंग कर लेंगे, उसके बाद आपको जो है फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं। काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है मोटोरोला ने यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8+Gen 1 के साथ, और इसीलिए जो फ़ोन है उसके ओवरऑल जो थर्मल्स हमें देखने को मिलते हैं काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। बट लॉन्गर गेमिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर थोड़ी आपको परफॉर्मेंस में कमी देखने को मिलती है जब आप कुछ टाइम इस पर गेमिंग कर लेते हैं, बट मोटोरोला इज सेइंग दैट कि जितनी भी कमियां आपको परफॉर्मेंस में देखने को मिल रही हैं, दे आर गोइंग टू फिक्स इट वेरी सून थ्रू द अपडेट्स, तो वो एक देखने वाली चीज़ है। अदरवाइज जो परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पर लगी वो अच्छी लगी, वहाँ कोई मतलब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मुझे हीटिंग इश्यूज़ देखने को नहीं मिले। बात कर लेते हैं इसके कैमराज की, तो कैमरा का वैसे मैंने रिव्यू भी बनाया है, आप चाहें तो वो भी वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा है 200 मेगापिक्सल के शॉट्स काफ़ी अच्छे आते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल कैप्चर करते हैं, डायनेमिक रेंज भी अच्छी है। ऑल दो जो मुझे वाइड एंगल लेंस है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा जो है कलर शिफ्टिंग ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड अगर हम बात करें टेलीफोटो की, तो जूमिंग में जो है स्टिल इमेजेस काफ़ी अच्छी आ जाती हैं, बट वीडियो जूमिंग जो है वो उतनी ज़्यादा अच्छी मुझे यहाँ पर नहीं लगी। बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ आपको मिलता है एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स, और ये फ़ोन क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड रहता है, एंड काफ़ी कुछ मिलता है। ये मेरे पास Pixel 6a है, एंड मुझे जैसा एक्सपीरियंस पिक्सल में मिलता है सेम एक्सपीरियंस मुझे मोटोरोला के एच 30 अल्ट्रा में भी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर ब्लोटवेयर्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते हैं। एंड एक जो काफ़ी अच्छा स्टेप मोटोरोला ने लिया है इस फ़ोन के साथ वो ये कि जो इसका थिंक शील्ड, जो इसका सिक्योरिटी सिस्टम पहले सॉफ्टवेयर बेस्ड था, उसके लिए प्रॉपर यहाँ पर हार्डवेयर यूज़ किया गया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा चिप डाला गया है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है। एंड इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेडी फॉर फीचर है इसका, जिससे कि आप अपने स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं किसी भी बड़े स्क्रीन के ऊपर, यानी कि आप गेमिंग वगैरह वो भी एक बड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो वो काफ़ी कूल ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर आपको एक क्लीन एंड सिक्योर्ड UI चाहिए, देन डेफिनेटली मोटोरोला मोटो एच 30 अल्ट्रा इज़ अ गुड ऑप्शन। और बात करें अगर इसकी बैटरी की, तो जो बैटरी के टेस्ट किए मैंने, यहाँ पर जो फ़ोन है करीब 37 मिनट्स में
फुल चार्ज हो गया 0 to 100%, क्योंकि इसमें आपको 4610 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। ऑल दो बैटरी साइज कोई उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है यहाँ पर, बट जो फास्ट चार्जिंग है यहाँ पर 125 W का चार्जर आपको बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है। एंड उस चार्जर के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि वो बिल्कुल भी उसके अंदर आपको हीटिंग इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती जितनी कि नॉर्मली आपको फास्ट चार्जर्स में देखने को मिलती है, एंड फ़ोन में भी उतनी हीटिंग नहीं होती है। और दूसरी चीज़, मोटोरोला ने ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बैटरी साइज सिग्निफिकेंटली उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट यहाँ पर फास्ट चार्जिंग देकर, ऑप्टिमाइजेशन को अच्छा देके, यहाँ पर जो आपका बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। करीब स्क्रीन ऑन टाइम करीब 7 hours का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से मुझे ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। स्क्रीन ऑन टाइम जो मैंने टेस्ट किया यहाँ पर, जब मैंने मिक्स्ड एक्टिविटीज़ की, तो करीब 7 hours 10 minutes का मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस बैटरी साइज़ के लिए। तो मुझे बैटरी भी इस फ़ोन की बहुत अच्छी लगी। एक जो चीज़ थी जो मुझे इस फ़ोन में पसंद नहीं आई, वो ये कि यहाँ पर आपको IP52 रेटिंग देखने को मिलती है। 55,000 rupees के प्राइस पॉइंट पर एटलीस्ट यहाँ पर IP68 रेटिंग ज़रूर होनी चाहिए थी। बात कर लेते हैं इसकी कनेक्टिविटी की, तो कॉल क्वालिटी को जो मैंने टेस्ट किया तो कॉल क्वालिटी बिल्कुल क्लियर थी, एंड इवन जो इसके वाईफाई के सिग्नल्स थे बहुत अच्छे से कैच कर रहा था। मैंने ऐसी जगह पर भी बैठकर वाईफाई यूज़ किया जहाँ से मेरा जो मॉडर्म है काफ़ी दूर है, तो भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे से रेंज कैच कर रहा था। इसके अंदर आपको क्योंकि 13 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो 5G की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी फ़ोन में। और इसके अंदर जो रैम है वो आपको LPDDR5 और UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिलता है। इसमें आपको 8GB की रैम एंड 128GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। ओनली एक ही वेरियंट 8+128GB इस फ़ोन में लॉन्च किया गया है, जिसका प्राइस अराउंड 55,000 है, यानी कि जिसका प्राइस एंड ओनली इस फोन को ओनली एक ही वेरिएंट 8+128GB में लॉन्च किया गया है, और उसका जो प्राइस है करीब 55,000 rupees है। बस मुझे दो कमियां जो इस फ़ोन के अंदर ज़्यादा लगी वो ये कि एक तो यहाँ पर ऑल द परफॉर्मेंस डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छी है, बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर गेमिंग में आपको थोड़ी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जाती हुई दिखती है। तो ये चीज़ ऑल द मोटोरोला इज सेइंग दैट दे आर गोइंग टू फिक्स इट वेरी सून विद द अपडेट्स, बट दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि ऐसा होता है या नहीं होता है। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे कमी लगी कि इसमें IP68 रेटिंग होनी चाहिए, ओनली IP52 रेटिंग दी गई है 55,000 rupees के प्राइस पॉइंट पर। अच्छे से मतलब एक आइडियल फ़ोन आई वुड से कि एक ऑलराउंडर फ़ोन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है एज इट इज़, एंड 55,000 rupees के प्राइस पॉइंट पे यू आर गोइंग टू हैव एन ऑलराउंडर फ़ोन। तो ये था मेरा डिटेल्ड रिव्यू मोटोरोला मोटो H30 अल्ट्रा का। वैसे आपको इसमें कौन सी कमी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरी दूसरी वीडियोज़ भी वॉच करना चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर मेरी दूसरी वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हैं। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।